मीट बेचने वाली सास बहू। शीशगंज गांव में ताहिर नाम का एक व्यापारी था। वो बाजार में मीट बेचा करता था। हर दिन उसके दुकान पर सैकड़ों लोग मीट खरीदने आया करते थे। एक शाम एक सास बहू की जोड़ी उस मीट के दुकान के आगे से गुजर रही थी। मीट वाला जमीन पर पड़ा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। अरे अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। सासू मां, ये मीट वाला बीमार है, चलकर इसकी मदद करते हैं। हेतल मीट वाले को पानी पिलाकर कहती है। भाई साहब, अब कैसा लग रहा है? लगता है अल्लाह ने मेरा बुलावा भेजा है। मेरे पास चंद सांसें बची, मैं जानता हूँ कि अब मैं नहीं बचूंगा। अरे शुभ शुभ बोलिए चाचा। लेकिन जाते जाते मैं आप दोनों को अपने मीट की दुकान की जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। अभी मेरा बेटा इतना समझदार होशियार नहीं है कि वो इस दुकान को चला सके। मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि उसके बड़े होने तक आप मेरी इस मीट की दुकान को चलाइए। ऐसा कहते हुए ताहिर की आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं और वो छटपटाने लगता है। फिर दोनों का हाथ पकड़कर कहता है, अरे वादा कीजिए आप मेरे बच्चे और मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखेंगे, इस मरने वाले की इच्छा पूरी करेंगे ना आप दोनों। ऐसा कहकर ताहिर दम तोड़ देता है और दोनों कहती हैं, माँ जी ये मीट वाला तो मर गया। ये किस धर्म संकट में डाल दिया इस मीट वाले ने हमें, उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। आस पड़ोस के लोग से पूछताछ करके वो उस मीट वाले के घर पहुँच कर कहती हैं, अंदर कोई है। तभी 12 साल का फजल दरवाजे पर आकर कहता है, दादी माँ कोई आया है। बूढ़ी रुखसार धीरे धीरे पैर बढ़ाकर बाहर आती है। जय राम जी की। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? आपके बेटे ताहिर का देहांत हो गया है। या अल्लाह, और कितने सितम ढाएगा इस बूढ़ी पर। बेटे को खोने का सदमा रुखसार बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुध बुध होकर बेहोश हो जाती है, जिसे देख सास बहू कहती है, माँ जी इस दुख की घड़ी में हम इनके काम नहीं आएंगे तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन बहू तू तो जानती है ना, तेरे ससुर कितने गुस्सैल हैं, एकदम पक्के ब्राह्मण वाला हाल है उनका। हमको मांस बेचते अगर देख लिया तो बवंडर मचा देंगे। हमें कौन सा पूरा दिन ही मीट बेचना है, हम सिर्फ दोपहर के 3 से 6 तक मीट बेचा करेंगे। इससे ससुर जी और उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम उनकी मदद भी कर सकेंगे। दोनों सास बहू अगले ही दिन से बाजार में जाकर मीट बेचने लगी थी। ताजे ताजे मीट ले लो, आ जाओ भैया और ले जाओ बाजार से सबसे सस्ती दुकान से एकदम सस्ता चिकन मटन। तभी दुकान पर कुछ लोग मीट खरीदने आते हैं और कहते हैं, जरा आधा किलो मुर्गे का मीट देना। क्या बात है, पहली बार मीट की दुकान पर एक सास बहू की जोड़ी को देखा है। अरे काकी हमको भी 1.5 किलो मटन देना जरा। हेतल को मटन के टुकड़े करता देख रसिका कहती है, अरे ये कैसे बड़े बड़े टुकड़े काट रही हो, आज से पहले कभी मीट नहीं बेचा क्या? जरा छोटे टुकड़े कर दो, मटन को पकाने में घंटों लगते हैं। माफ करना बहन जी, नया नया धंधा खोला है ना, इसीलिए। शाम के 5:30 बजते ही दोनों सास बहू बचा हुआ मीट बटोर कर मीट की दुकान बंद करती हैं और रुखसार के घर पहुंचती हैं। आंटी जी ये लीजिए आपकी अमानत। ये कैसे पैसे हैं और आप दोनों ये मुझे क्यों दे रही हैं? ये पैसे आपके उसी मीट की दुकान की कमाई हैं, जहां आज से पहले आपका बेटा ताहिर मीट बेचा करता था। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आप दोनों जैसे नेक दिल और मददगार इंसान सभी बेसहारा के जीवन में भेजे। वो मीट की दुकान से कुछ मीट के टुकड़े बच गए हैं, आप इन्हें बना लीजिएगा। आप दोनों हमारे इस बदहाल जीवन में फरिश्ते बनकर आए हैं। उस रोज बूढ़ी रुखसार के घर में सिर्फ उन सास बहू की मेहनत के कारण चूल्हा जल पाता है। फिर दोनों भागती दौड़ती अपने घर पहुँचती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तक ससुर जी और अमर आए नहीं है। बहू सरपट से तू चूल्हे पर दाल चावल चढ़ा दे, मैं सब्जी काट देती हूँ। जैसे घड़ी में रात के 8 बजते हैं, उन दोनों के पति घर में कदम रखते हैं। सासू माँ
ये तो खाना बनते ही आदम के। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? समय रेल की रफ्तार जैसे तेज गुजर रहा था। दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में ढलते जा रहे थे। दोनों सास बहु हर दिन चोरी छिपे बाजार में जाकर मीट बेचा करती। एक दिन दोनों के पति जल्दी घर लौट आते हैं और उन्हें घर पर न पाकर कहते हैं, अरे ये दो हंसों का जोड़ा कहां लापता है? हो सकता है पिताजी, माँ और आरती बाजार गई हो। तभी दोनों 6 बजते ही घर लौटती हैं। सासू माँ, ससुर जी और अमर जी आ गए हैं, आज तो हम पकड़े जाएंगे। बहू तू बस अपने मुंह पर ताला लगा कर रहे। माँ, आरती कहाँ थे दोनों? अरे जेठ की गर्मी से घर तवे की तरह तप रहा था। बेचारी हम सास बहू तो आलू की तरह उबल रहे थे, तो सोचा बाजार घूम आए, इसे टहलना भी हो जाएगा। आज शाम की भाजी तरकारी भी खरीद लाए हम। एकदम अच्छा किया भाग्यवान। दोनों के पति अब आए दिन घर जल्दी आने लगे थे। एक रोज वो कहते हैं, अरे ये रोज रोज का क्या चक्कर है आखिर? कौन सी खिचड़ी पका रही हो तुम सास बहू? सच सच बताओ, कहीं आप दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? छुपाने जैसा कुछ होगा तो ना। दोनों सास बहू के मीट की दुकान पूरे बाजार में छा जाती है। ताजी ताजी मीट ले लो। सासुमा आज तो 1 घंटे में ही हमने 6 बकरियों का मटन बेच दिया, और बाकी दिनों की तुलना में आज 2.5 दर्जन मुर्गियों का मीट बेच दिया। आज तो अच्छी बिक्री हुई है। तभी उन दोनों के पति मीट की दुकान के आगे से गुजरते हुए उन्हें देख लेते हैं। अरे अमर, ये तेरी माँ और आरती बहू ही है ना, या मेरी आंखों का धोखा है? लेकिन ये दोनों मीट की दुकान पर क्या कर रही हैं? दोनों गुस्से से बौखलाकर वहां आकर कहते हैं, तुम दोनों सास बहू ने हमारी आंखों में धूल झोंकी। मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी कमी कसर रह गई थी जो तुम दोनों ने भरे बाजार में मीट बेचने का धंधा शुरू कर दिया? ससुर जी, ये मीट बेचने का काम हम सास बहू शौक से नहीं, मजबूरी में कर रही है। अपने झूठ को छुपाने के लिए इसे मजबूरी का नाम मत दो। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो चलो हमारे साथ। सभी एक साथ मीट वाले के घर आते हैं। देखो इन गरीब बेसहारा को, वो मीट की दुकान इनके मरे हुए बेटे की है, जिन्हें हमने मरते वक्त वचन दिया था कि उनके नादान बच्चे के बड़े होने तक हम सास बहू उस मीट की दुकान को चलाएंगे। हम सिर्फ ईमानदारी से अपना वादा निभा रहे हैं। अरे भाग्यवान, मैं नहीं जानता था कि तुम इन लाचारों की मदद कर रही हो। अब से हम दोनों भी उस मीट की दुकान को चलाने में तुम्हारा हाथ बटाएंगे। चारों मिलकर मीट की दुकान को चलाने लगते हैं, और वो छोटी मोटी दुकान मीट मांस बेचने के बाजार में सबसे बड़ा अड्डा बन जाता है। तकरीबन 6 बरस गुजरने के बाद फजल भी बड़ा हो जाता है। फजल, वक्त आ गया है कि तुम्हारे पिता की मीट की दुकान तुम्हारे हवाले कर दी जाए। इसको बखूबी से संभालना। आपने इतने बरस अब्बू के इस मीट की दुकान को बखूबी चलाकर हमारा पेट भरा, इतना तो कोई सगा भी नहीं करते जितना आप सभी ने गैर होकर किया है। अल्लाह आप चारों की हिफाजत करे। एक लंबे अरसे के बाद सास बहू को मीट की दुकान की जिम्मेदारी से हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है, और सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।